हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हनुमान टेकरी का स्पेशल व्लॉग बनाया है आज हमने। बाड़मेर की सबसे ऊंचाई की टेकरी थक गए हैं, इतना थक गए हैं ना कि मुंह में से वर्ड्स भी गलत निकल रहे हैं। हम अभी बाड़मेर की सबसे ऊंची जो माउंटेन है जिसको हनुमान टेकरी कहा जाता है, हम पर खड़े हैं। अभी यहाँ तक पहुँचने में हमें 25 से 30 मिनट का समय लगा है। क्यों? क्योंकि हम बिना रुके कंटिन्यू इधर आए हैं। ये 1 किलोमीटर, ज़मीन से 1 किलोमीटर तक ऊपर चढ़ना है आपको, तब जाके आप इधर पहुंच सकते हो। मेरे फ्रेंड है, जिगरी दोस्त है अजय भाई, उन्होंने आज मेरे को हौसला दिया। वो देखो उधर खड़े है, वो उसकी वजह से हम इधर आज पहुँच पाए हैं। इधर आज इधर आने का प्लान बना हुआ है, तो इधर मैं आपको व्यू बताऊँगा। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। दिस इज द प्लेस, सी पीसफुल प्लेस, सी द माउंटेन। एक तरफ पूरा पहाड़ से घेरा हुआ है, एक तरफ पूरा पहाड़ है, दूसरी तरफ पीछे पूरा सिटी है। देखिए सिटी व्यू। ये मंदिर है श्री हनुमान टेकरी जी का मंदिर। देखिए इस हनुमान टेकरी आने का रास्ता है, जो लाइट दिख रही है वही रास्ता है हनुमान टेकरी आने का। और ये देखिए वो सिटी, हमारे पीछे जो सिटी दिख रही है वहाँ से हम पैदल आए हैं ऊपर, और ऊपर आते आते थक गए हैं, पूरी तरह थक गए हैं। आइए मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। इधर आज शनिवार है तो स्पेशल लंगर भी है। ये देखिए श्री हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही आध्यात्मिक और शांत प्लेस है। इससे बड़ा शांत प्लेस कोई है नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान जी, अंजनी सुत जय, वायुपुत्र जय, महाबली जय, रामेश जय, फाल्गुन सखा जय, पिंगाक जय, अमित विक्रम जय, उदरीकरण जय, स्थिताशोक विनाशन जय, लक्ष्मण प्राण दाता जय, दशगिरी धरपहा। ये बात सच है कि इधर आने के टाइम पे हम थक जाते हैं, लेकिन ये एक बात और भी है, अगर इधर आ गए तो सारी थकान मिट जाएंगी आपकी, आपको पता भी नहीं रहेगा कि आप थके हुए हो। इतना जन्नत व्यू है, दिस इज द प्लेस, दिस इज द हेवन ऑफ अर्थ। ये देखिए शंकर भगवान का मंदिर है, एक शंकर भगवान का मंदिर भी है। कितने बढ़िया फ्लावर है, कलरफुल फ्लावर है। ये देखो येलो फ्लावर, मोगरा, वाइट फ्लावर। तो आइए मैं दो अलग अलग व्यू बताता हूँ आपको। एक तो ये देखिए, ये पूरा सिटी है, ये सिटी व्यू है। कैमरे की क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं है तो ज़्यादा दिखेगा नहीं अच्छा, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ दिखाने का। देखिए वो देख रहा है सिटी सेंटर, सिंदरी चौराहा, गवर्नमेंट कॉलेज, रेलवे स्टेशन, नेशनल हैंडलूम, JSW का टाउनशिप, कैलाश होटल, ये श्री जोग माया माता जी का मंदिर, महावीर नगर, बलदेव नगर, सब उत्तरलाई से लेके महाबार से लेके सब कुछ इधर दिखता है। ये देखिए शिव शक्ति धाम भी दिख रहा है, साई धाम भी दिख रहा है, कैक्टस गार्डन भी दिख रहा है, और मैं आपको अभी दूसरी तरफ लेके जाने वाला हूँ जो पूरा रहस्यमय प्लेस है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ खजाना जिसको बोलते हैं ना, वो है। देखे दिस इज द प्लेस, पूरा माउंटेन, जहाँ तक देखो वहाँ सिर्फ माउंटेन। ये देखे JSW का पूरा प्लांट दिख रहा है, इधर से बॉयलर दिख रहा है, और अगर आप नज़र करो तो MPTP दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है ये कैक्टस गार्डन है। ये कैक्टस गार्डन के बारे में बहुत ही
कम लोग जानते हैं, इवन बाड़मेर के लोग भी नहीं जानते। इधर भी आप आइए एक बार, बहुत ही बढ़िया व्यू है, खास करके मानसून में ही इधर आ सकते हैं, गर्मी कम लगेगी। वो देखो, ये देखो जूना, जूने का जूना, जूना जो जूना करके एक गाँव है बाड़मेर से 20 किलोमीटर दूर, उसका पहाड़ दिख रहा है इधर से, जसोई दिख रहा है पूरा। ये मुनाबा रोड है जो पाकिस्तान बॉर्डर जो जिसको कहा जाता है, लास्ट वाला गांव वो है। देखिए पहाड़, पूरा बादलों से घिरा हुआ पहाड़, इसी को देखने के लिए देखो लाइट दिख रही है, पहाड़ों के बीच में एक लाइट दिख रही है, वही जसोई है। उधर हिंगलाज माता जी का मंदिर भी है, और यही है, यही जो ये देखिए उधर से एक बाइक आ रही है, वो पूरा आर्मी वाला एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ पे जाना मना है। और यही तो प्लेस है, इधर से अगर आप सनसेट देख लिया एक बार तो और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना बढ़िया सनसेट का व्यू है, चारों तरफ पहाड़ी, दूसरी तरफ पूरा खुला मैदान, बादल, खुला आकाश और सनसेट, और क्या चाहिए। यही व्यू देखने के लिए हम लाखों रुपया खर्च करके कोई हिल स्टेशन पे और बाहर जाते हैं, लेकिन ये देखो अपने घर पे ही ये व्यू मिल रहा है। आधे घंटे का रास्ता है मेरे घर से। और महाराज कैसे हो? हमारे हर शनिवार को इधर लंगर होता है और सब लोग सेवा में लग जाते हैं। आज भी महाराज हमें बोल रहे हैं कि आओ थोड़ा प्रसाद लेके जाओ, खाना। हाँ उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आप नज़ारे देख लो, सिर्फ पहाड़ियाँ देख लो। अभी देखो मैं भी आ गया हूँ कैमरे में, अभी तक मैं बोल रहा था, अभी हमने बाल बाल भी कुछ बनाया नहीं है, मैं ऐसे ही घर से निकल गया था क्योंकि बारिश का मौसम है ना, और आज शनिवार है तो शनिवार को तेल भी नहीं डालते, और है ना जेल में डालता नहीं हूँ क्योंकि बाल ख़राब हो जाते हैं, इसलिए आज़ादी से पहले। तो बहुत पुराना मंदिर, ये अभी अभी मेरे को न्यूज़ मिला है, ये अंग्रेज़ों के टाइम का मंदिर है, अंग्रेज़ों के टाइम का, 1947 से पहले यहाँ का निर्माण हुआ है। हिस्टोरिकल प्लेस है, सबसे ऊंचा, इससे ऊंचा कुछ नहीं है, पूरा बाड़मेर दिखेगा, 40-40 किलोमीटर तक ये पहाड़ दिखता है, और इधर से 40 किलोमीटर तक आप देख सकते हो। अगर आप नज़र करोगे तो पाकिस्तान, ये गडरा रोड है पूरा, गदरे के जो फेमस लड्डू है वो यही उधर ही मिलते हैं, मुनाबा बॉर्डर भी उधर ही है, और अगर आप ध्यान से देखो तो वो पाकिस्तान भी दिख रहा है यहाँ से उधर। तो वही है, सब श्रद्धा का विषय है। देखो आज हम निकले हैं, अजय भाई की बहुत मेहरबानी है, प्लान बनाया है उन्होंने ही, ठीक है। हाँ अभी देखिए, मैं ये हनुमान टेकरी के जो सेवाभावी भक्त है महाराज, जो हर शनिवार को सेवा करने के लिए नीचे से ऊपर आते हैं, हर शनिवार को आते हैं और सबको इधर प्रसाद देते हैं, सबको बुला बुला के आए प्रसाद खिलाते हैं। आइए इनसे हम बात करके। हाँ सर, आपका नाम सर? अभय सिंह मेरा नाम है। अभय, इनका नाम अभय जी है। अभय जी, और आप कितने सालों से इधर आते हो? छोटे वाले थे, दिल्ली वाले थे। सब जब से छोटे थे तब से इधर आ रहे हैं। देखो क्या क्या श्रद्धा है, देखो श्रद्धा है, देखो कितनी श्रद्धा है, छोटे हैं तब से आ रहे हैं, और हर शनिवार को, मैं लास्ट दो शनिवार पहले भी आया था, इन्होंने मेरे को जो चावल मग और चावल जिस राइस दिया था, और मेरी छोटी बच्ची है उसने भी बहुत इंजॉय किया था, चाय भी पिलाई थी, स्पेशल चाय बनाई थी और बहुत बढ़िया थी। इसके बारे इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, तो आप कितने हर शनिवार को इधर सेवा होती है? ओके ओके, और तकरीबन कितने लोग प्रसाद लेते हैं? बहुत ज्यादा, 1000 आते हैं। मैंने 1000 से ज्यादा, पूरे दिन में 1000 से ज्यादा लोगों का खाना बनता है इधर, और कोई पैसा नहीं, कोई अगर कोई फोर्स भी नहीं चढ़ावेगा, ये सब सेवा भावी लोग हैं, अपने आप से सब सेवा करते हैं। और सर कुछ भजन वगैरह का प्रोग्राम होता है? बाबा के बीच के दौरान भजन होगा। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है, बहुत आनंद लगा आपको मिल गए, और मैं सबको बताऊंगा आपके बारे में, और बहुत मेरे को खुशी हुई आप मिले आप, और हम प्रसाद के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, और मिलते रहेंगे आपको, मैं आगे भी आपके बारे में बताएंगे, मैं अभी बताते हैं। तो अभी देखिए हमने अभी जी से मिले, देखो कितने श्रद्धा का विषय है, सबसे छोटे थे तब से इधर आ रहे हैं, मैं तकरीबन ये 6-7 बार आ गया हूँ इधर। ये देखिए अभी मेरा प्रिय मित्र अजय भाई से भी मिल लीजिए, इन्हीं की वजह से आज इधर आने का प्लान हुआ है,
अगर ये फोन नहीं करते दोपहर में तो इधर आ जाने का प्लान नहीं बन सकता। ये देखिए, ये भी बहुत बाड़मेर अपने राजस्थान के ही है मेरे प्रिय मित्र, और वो भी इधर आ गए हैं और इनको भी घूमने का शौक है मेरे जैसा। घूमते रहते हैं, ऐसे नहीं कि घर पे बैठे रहो, घूमते रहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हमने बहुत एक्सप्लोर किया है बाड़मेर। बाड़मेर की ऐसी जगह है जो बाड़मेर वाले भी नहीं जानते हैं। इसके बारे में बताऊँगा आगे वाले वीडियो में, आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, इतनी ऊँचाई पर तुलसी माता जी का, ये देखो कितना बढ़िया तुलसी जी है। ऊँचाई देखिए आप, 1 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, उस तो तुलसी जी का पेड़ है। क्या ग्रीनरी है उधर शंकर भगवान जी के मंदिर में, देखो ये बहुत बढ़िया मेंटेन है ये प्लेस, और एकदम पीसफुल जगह है। अगर आप इधर एक बार आ गए, सुबह सुबह सनराइज और शाम को सनसेट एक बार आपने देख लिया इधर से, तो आप हर वीक में एक बार तो आप इधर आओगे ही आओगे। चैलेंज आपको, चैलेंज मारता हूँ मैं आपको। आइए आपको अभी प्रसाद दिखाता हूँ मैं, आज प्रसाद में है क्या बना हुआ है वो हमारे लिए। आज स्पेशल सागरा बनाने वाले हैं, सोगरा बाजरे का रोटी जिसको सोगरा भी बोला जाता है। अभी देखो धीरे धीरे सब लाइटें चमकना चालू हुई है। देखो पीछे देखिए, नो कट वीडियो बना रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कट नहीं। देखिए टेकरी जी के रसोई घर में आए हैं हम। इतना क्लीन है ये रसोई घर, आप देख सकते हो, मैं अभी देख रहा हूँ, बहुत ही राम रसोड़ा बोला जाता है इसको, और एकदम क्लीन प्लेस है, एक बहुत ही साफ सुथरा रसोड़ा है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरे पीछे ये जो महाराज है, ये अभी बाजरे का गरम गरम लायो बाजरे का रोटला बनाने वाला है, जिसको सोगरा बोला जाता है, सोगरा। ये देखिए, ये सर, ये महाराज जी चाय बना रहे हैं, और इतना क्लीन है, एक धूल नहीं है इधर। देखिए बहुत ही हाइजीन प्लेस है। जय सिया राम। सर आप हर रोज आते हो या इधर ही रहते हो? सर नहीं, हम तो डेली के आते हैं यहाँ से, सेवा कर रहे हैं। शुक्रवार को आते हैं, शनिवार शाम को वापस मिलते। शुक्रवार को आते हैं शाम को, रात इधर ही गुजारते हैं, और शनिवार को शाम को इधर से निकलते हैं। ये लास्ट 22 साल से ये ऐसा सेवा दे रहे हैं। ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर तो प्राचीन है, 700 साल पुराना। अभी देखिए, अभी 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 पता चला है ये 600 साल पुराना मंदिर है। 615 600 साल पुराना था, तब यहाँ बाड़मेर नहीं था। बाड़मेर का जब जन्म भी नहीं हुआ, बाड़मेर का निर्वार भी नहीं हुआ, तब से ये प्लेस है। और ये देखिए क्या खुशबू आ रही है चाय की। महाराज आपका नाम क्या है? जय श्री राम। हुकम सिंह सोडा। हुकम जी सी है ये देखिए, हुकम। जय सियाराम। जय सियाराम। जो 22 साल से इधर सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धुंधलीनाथ जी का प्राचीन धुना है, 600 साल पुराना। तो धुना केराड़ू में गांव पूरा पत्थर बना दिया था, इंसानों का पंथर शराब से बना दिया था। वही बाबा यहाँ आए थे और यहाँ से हेलो हो गए, भगवान जाने कहाँ गए। ओके ओके, ओकनी का धुना है। वो केराड़ू में पत्थर जो बने हुए हैं, बाबा की शराब से बना था, वहां से फिर आ गए यहाँ। अभी अभी हमें देखो बहुत ही रहस्यमय बातें पता चली है, जो अभी हुकुम जी ने बताई है, रहस्यमय बातें हैं। जो मैं इधर बाड़मेर में मैं 10 साल से हूँ, मुझे भी बताया नहीं था ये बात के बारे में। और ये देखें, ये बाजरे की रोटी तैयार हो रही है, क्या बहुत ही बढ़िया जो आटा गूंद रहे हैं। और ये देखो लायो चूल्हा जल गया है, ये पूरा सेवा भावी लोग है इधर सब, ये सब सेवा में जुड़े हुए हैं, और मंदिर की सेवा ही एक उनका काम है, मंदिर से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये चावल बना हुआ है, ये कितने लोगों का होगा चावल? 1000 लोगों का चावल। ये तो 7 दिन पर चलता रहता है, दिन भर इतने चावल बनते ही रहते हैं, पूरे शनिवार को पूरा दिन ये पूरा भंडारा है। ये देखिए, ये राम राम रसोड़ा है, शनिवार को पूरे दिन चलता रहता है ये।
शनिवार को जो भी आता है वो प्रसाद लेके ही जाता है। सुबह 9 से रात को 9 बजे तक अगर कोई भी इधर आएगा तो प्रसाद लेके ही जाएगा। ये राम रसोड़ा में जो हुकुम जी है उनका कहने का है। और ये देखो हमारे लिए गरम गरम ये अंकल देखो गरम गरम रोटी बना रहे हैं हमारे लिए। देखो गरम गरम प्रसाद, शायद ही मैंने अभी कोई मंदिर में मैं गया हूँ और ऐसे गरम गरम प्रसाद खाने को मिलता है। ये देखो लाइव बाजरे का रोटी बन रहा है। देखो ये देखो चूल्हे पे अभी चढ़ाया है इसको, अभी जस्ट चढ़ाया ही है। और देखो इसको कितनी बड़ी खुशबू आ रही है, क्या महक आ रही है बाजरे की। ये देसी बाजरा है, ये खेत में से आया हुआ बाजरा है। और ये बाजरा उगाने के टाइम पे कोई भी यूरिया का यूज़ नहीं हुआ है। ये जो ये प्योर देसी बाजरा है, इसकी खाने की बात ही कुछ अलग है। जो नॉर्मली सिटी में बनता है वो यूरिया वाला बनता है, जिसमें यूरिया खातर जाता है, लेकिन ये बिना यूरिया खातर का घर पे बना हुआ है। बारिश करता है, बारिश पे निर्भर है, वही बाजरा है। बारिश से जो नेचुरल बाजरा आता है उसकी रोटी आज हम खाने वाले हैं प्रसाद के रूप में राम रसोड़ा में। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। चाय पिए साहब? हाँ चाय भी पियेंगे। एक बाजरे का रोटी बता देता हूँ। ये बाजरे का रोटी सब चाय बन गई। चाय भी बन गई है देखिए, और सब चीज़ इधर स्टॉक है। आप ये सब उनको मैं पूछना चाहता हूँ, ये इतनी ऊंचाई पे ये चीज़ें लाते कैसे हो सर आप? ये इतना सब बगल तो आने जाने वाले थोड़ा 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 जितना वजन उठाते हैं ना। हाँ कोई 30 किलो कोई 50 किलो तक। 50 किलो? हाँ, जैसे सीमेंट का कट्टा है। ओह माय गॉड। या चावल का है, बाजरे का है, 50 किलो आता है। तो ऐसे भी भगत है वो 50 किलो का चावल का बोरी ये लोग लेके आते हैं उतना ऊपर। मैं तो एक पानी का बोतल भी लेके आ रहा था और थक गया। माय गॉड, देखो इतनी ऊंचाई पे फ्रिज चढ़ाया हुआ है। फ्रिज में दूध है, पूरा वेजिटेबल से भरा हुआ है फ्रिज। छाछ है, दही है, मिठाई है, सब्जी है। और ये देखो ये सबसे खास चीज, ये देखिए ये सिलेंडर का बोतल भी चढ़ा है ऊपर। ये हफ्ते में 3-4 सिलेंडर इतनी ऊंचाई पे चढ़ाना, ये सब भगवान राम जी की ही कृपा है। ये राम जी की कृपा के बिना ये कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए ये राम जी है जो हिम्मत दे रहे हैं। देखिए क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। अगर ये आपने खा लिया इसके आगे सब फेल है। पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, पास्ता सब फेल है इसके आगे। ये बाजरे की रोटी आपको हर शनिवार को महाराज बना के देते हैं राम रसोड़े में। ये देखिए अभी हमारा बजट लो है इसलिए मेरा कैमरा जो है वो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम है। ये देखिए क्या बढ़िया, क्या हाइजीन मेंटेन किया है इन्होंने। देखे एक बास्केट है उसके ऊपर पेपर में ये अभी रखने वाले हैं। क्या मेंटेन किया है, हाइजीन प्लेस है, प्योर हाइजीन प्लेस है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, इतना बढ़िया आनंद। ये देखो घर इधर आटा चक्की भी लगी है, वो आटा अपना वो गेहूँ वगैरह अनाज पीसने के लिए चक्की भी लगाई है घर। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। श्री राम जी की कृपा है कि इधर ये सब सामान भी आ रहा है। और आप सच में सही राम जी का सही भक्त हो आप सब, हनुमान जी के ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की, सब ऊपर वाले की कृपा है। सर ये संडे को भी ओपन रहता है, ये रविवार को या बंद? शनिवार को कोई कोई यानी संडे भी दर्शन करना है किसी को अगर खुला ही रहता है तो। संडे भी अभी अभी सुनने में आया है, संडे को भी अगर आप दर्शन करना चाहो तो दर्शन कर सकते हो। और बीच के दिन यहाँ पे भजन भी होते हैं। और
ये थोड़ी रात में, अभी मैं आपको रात का व्यू भी बताऊंगा। रात में आपने इधर से बाड़मेर का सिटी का व्यू देखा, एक बार देख लिया, मीन्स डायमंड, रियल डायमंड जैसे चमकते हो ना, सोना सोना हीरा पन्ना जैसे चमकता है वैसा सिटी चमकता है। ये सच में सिटी का कमाल ही है, जिसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। अभी अंधेरा होने ही वाला है, 15-20 मिनट में उसके बारे में बताते हैं। ये देखिए क्या रोटी की खुशबू आ रही है, क्या खुशबू आ रही है, बहुत बहुत बढ़िया। बारी हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है। ये देखिए, ये अंकल देखो सेवा में जुड़े हैं, राम रसोड़े के, ये भी सेवा भाई भक्त है राम रसोड़े के। यहाँ पर जो नाश्ता होता है, हाँ आइए सर। अभी अभी आप हम अभी 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 मेरे को जानकारी मिली है, ये चंदा जी से मिलिए, ये भी राम रसोड़े के बहुत ही बड़े सेवा भावी भक्त है। ये जय सिया राम बोल रहे हैं, जय सिया राम। और इनका किराने का स्टोर है, और जो भी सामान आता है वो इन्हीं की दुकान से आता है। और किराना स्टोर नहीं, मेरी दुकान दुकान है उनकी। और जो सामान आता है उनका ज़्यादातर सामान इन्हीं का, सब भक्त है जो मिल के पैसा देते हैं, और इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हम तो सेवा करते हैं, सेवा सब सेवा भविष्य में। हाँ, गणेश जी का वो मंदिर, गणेश जी का मंदिर भी है, वो भी उसके बारे में भी बताते हैं। हाँ, अभी अभी हम देखे ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, श्री शंकर भगवान का मंदिर है, और अभी देखिए अभी अभी न्यूज अभी अभी पता चला है गणेश जी का भी मंदिर है, जो मैं ये छठी बार आ रहा हूँ लेकिन मैंने अभी तक गणेश जी का मंदिर नहीं देखा है। तो मैं आप अभी नीचे थोड़ा नीचे उतर के दूसरी तरफ जाना है, जो पाकिस्तान नेवला, जो पाकिस्तान वाला एरिया है उस तरफ जाना है। और देखो ये पूरा नेवला, जो सांप का पक्का दुश्मन जिसको बोला जाता है, वो नेवला अभी अभी हमें देखने को मिला है। देखिए गणेश जी का मंदिर देखने जा रहे थे, और नेवला जो सांप और नेवले की बोलते हैं ना, जो लड़ाई होती है बचपन में, हम स्टोरियां बहुत सुनते थे, इतना बड़ा नेवला देखा है हमने अभी 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 इधर से गया हुआ है। एकदम नेचुरल प्लेस है ये, इधर आने के बाद सुकून ही सुकून है। नेवला देखना तो नीचे से दिखेगा, वहां से दिख जाएगा। उधर से मेरे अभी अभी जानकारी मिली है, एक नेवला इधर से गया है और वो उधर ही दिख रहा है। आइए नेवले को देखते हैं, आपको भी बताता हूँ नेवले के बारे में, और गणेश जी का मंदिर भी देख के आते हैं हम। आज बहुत ही बड़ा व्लॉग बन गया है। ओह, पाकिस्तान वाला रोड पूरा दिख रहा है, अगर आप देख आओगे तो देख पाओगे इधर। ये देखिए हम अभी गणेश जी के मंदिर में जा रहे हैं, हमें भी डर लग रहा है थोड़ा कि इधर सांप तो नहीं है। ये देखिए ये देखिए गणेश जी की मूर्ति है, हम आ रहे हैं गणेश जी को मिलने के लिए। अभी अभी देखा अभी, वो देखो नेवला दिख रहा है। देखो मेरे को नेवला दिख रहा है, आपको नेवला दिख रहा है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ये देखो नेवला, अभी नेवला देखने को मिला है हमें, और अभी श्री गणेश जी के दर्शन करने जा रहे हैं। श्री रिद्धि सिद्धि की जय हो, श्री शुभ लाभ की जय हो, श्री गणपति का आनंद की जय, श्री गणेशाय नमः, श्री गणपति बाप्पा मोरिया, श्री शंकर भगवान जय हो, श्री कार्तिक भगवान जय हो, श्री पार्वती माता जी जय हो, श्री भोलेनाथ जी की जय हो। तो ये भोलेनाथ जी श्री गणेश जी का मंदिर है, हनुमान दादा है, हनुमान टेकरी संत सेवा आश्रम लिखा हुआ है, देखिए बाहर। और ये गणेश जी का मंदिर आध्यात्मिक प्लेस है, बहुत ही भक्ति भाव से जुड़ी जगह है, आप जरूर इधर आए, एक बार जरूर आए, आनंद मिलेगा आपको। रामदेव पीर जी का फोटो भी है इधर, जो राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी, जिसका रामदेवरा में जो समाधि है, और शिव उनका कश्मीर उनका जन्म स्थल है शिव के पास। तो बहुत ही आनंद आया है हमें आज, और
अभी अभी लाइटिंग चालू हुआ है, मैं उधर वो भी बताऊंगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बारिश होता है, इतना बिजली होता है, आपको डर नहीं लगता? डर जाएगा। कभी डर नहीं लगा आपको? नहीं जी, कभी डर नहीं लगा? बिल्कुल डर नहीं लगा। इतना जोर से बारिश होता है यहाँ पे और बिजली गर्जना भी होती है, लेकिन ये कभी डरते नहीं है, सेवा में जुड़े हैं। नाक का जोड़ा भी देखा लो, नाक का जोड़ा भी इधर आता है, अजय भाई ने अभी अभी ये बताया है। लेकिन देखिए, ये देखो प्रसाद की थाली तैयार हो रही है, ये दाल है, ये राइस है, ये सब्जी है, बस बस एक बस। हाँ, खुशबू आ रही है ऐसी दाल। अगर आप ये दाल आपको कोई फाइव स्टार होटल में भी है, इतनी खुशबू वाली दाल नहीं मिलेगी। ये प्रसाद है, ये राम रसोड़े का प्रसाद है, ये भगवान राम जी की कृपा से आज हमें मिला है नसीब में। ये सब सेवाभावी लोग लगे हुए हैं। इसमें देखिए बाजरे का रोटली, ये सब्जी किसका है सर? घिया का सब्जी, लौकी, लौकी दाल है। हम अभी इसको है ना थोड़ा टेस्ट करते हैं, प्रसाद को आपको भी बताएंगे टेस्ट करके, इसकी खुशबू तो बहुत बढ़िया आ ही रही है, टेस्ट भी बताते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। खतरा है, सैनिटाइजर किए हैं। नहीं नहीं आप, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे रुक रुक रुक, ये देखो, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्ट अजय भाई के हाथों से। अभी दाल का और बाजरे का रोटी का टेस्ट मिला है, देसी बाजरी गांव में खेतों में बनी हुई, अपने घर के खेतों में बनी हुई है देसी बाजरी। जुड़े रहिए, लौकी की सब्जी बहुत बढ़िया, लौकी क्या गजब टेस्ट है, प्रसाद है, मजा आ गया। बने रहिए, नाइट व्यू बताता हूँ, बने रहिए। मैंने बोला था आपको बने रहिए, बने रहेगा हमारे वीडियो में, बने रहेगा। बाड़मेर का असली सोना, असली सोना बाड़मेर का ये है। देखियो ये व्यू देखिए, ये कोई जन्नत से कम नहीं है। देखो धीरे धीरे लाइटें बढ़ रही है, डायमंड डायमंड जैसा चमक रहा है, पूरा सिटी एक डायमंड जैसा चमक रहा है। वो लाइट जल रही है, वो सिंदरी सर्कल वाला रोड है, सिंदरी रोड है, वो जो जनता स्वीट वाला वो है ना, बस स्टैंड वाला वही रोड है वो। मैं क्या नजारा है, आप थोड़ी देर और बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर बाद ये कोई जन्नत से कम नहीं लगेगा। अभी भी जन्नत ही है, अभी थोड़ी कम लाइट जली है, थोड़ी देर बाद देखिएगा ये नज़ारा, क्या नज़ारा है, ये माउंटेन माउंटेन, पूरे सिटी देखिए, पूरा सिटी एक अलग ही व्यू है। अगर इधर आओ तो रात में एक बार रात का नज़ारा देखना कभी मत भूलिएगा। बने रहिए, बताता हूँ आगे भी बताता हूँ आपको। देखिए व्यू जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे, ये सिंदरी सर्कल वाला रोड है। कैमरा की एक्चुअली मेरी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी आँखों से जो नज़ारा दिख रहा है ना बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। ज़रूर विज़िट कीजिएगा लाइफ में एक बार, अगर आप इधर नहीं आए, जैसे वो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना, कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वही है। बाड़मेर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, बाड़मेर में भी हनुमान टेकरी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा,
कुछ नहीं देखा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। चले अजय भाई, चलो आएंगे हम वापस। भाई हमारा व्लॉग है जिसको मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आगे आगे आपको बाड़मेर की ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा जो इधर के जो लोकल लोग हैं ना उसको भी ये चीज़ के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, बराबर। कोरोना काल चल रहा है, ये भी तो ये समय भी चला जाएगा, जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान जी भी बोलते हैं ना, ये समय भी चला जाएगा। बस वही है, सब मोह माया है, सब मोह माया है। बाड़मेर का पूरा सिटी दिख रहा है, धन्य हो जीवन, धन्य हो गया, डायमंड पूरा डायमंड जैसा चमक रहा है। वापस दिखाता हूँ एक बार, देखिए। चलिए, अंधेरा हो गया है, अगर रात में आप आ रहे हो तो एक एडवाइस है, अकेले मत आइएगा, कोई कंपनी रहेगी ना साथ में तो अच्छा रहेगा, और ख़ास करके लेडीज़ वगैरह साथ में है तो चार पांच लोगों का ग्रुप बना के आइए, क्योंकि थोड़ा एरिया सुनसान है। हाँ, वैसे इधर के लोग सब अच्छे हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए अकेले आना सही नहीं है। हाँ, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बाय। ऐसा अभी है ना, अभी मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं कोई फ्लाइट में, रात में फ्लाइट में कोई ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। देखिए क्या नज़ारा है, फ्लाइट में जैसे हम आकाश में फ्लाइट में बैठे हुए हो, ऐसे पूरा इतना बढ़िया व्यू दिख रहा है। फ्लाइट व्यू है ये तो, पूरा फ्लाइट व्यू, बर्ड व्यू, अमेजिंग अमेजिंग। ये जो इलेक्ट्रिसिटी की जो हैवी लाइन जाती है ना, उसके जो पोल्स है, उसकी जो केबल्स है, उसके ऊपर लाल कलर की लाइटें लगा के रखी, लाल कलर की है ना लाइटें लगा के रखते हैं। वो लाइट मेरे मोबाइल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन मेरे को आँखों को भी दिख रही है, क्या बढ़िया चमक रही है। पहाड़ों के बीच में ये सिटी के दूसरी तरफ वाला रास्ता है, जो मैं अभी कैमरे में नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में। सुपर, ये अद्भुत, ये एक रहस्यमय प्लेस है, जरूर विजिट कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, और बने रहिए हमारी चैनल यूट्यूब रिया के साथ। ये देखिए, हाँ, हनुमान टेकरी जी का व्यू। चलिए भाई।